बैक टू माई YouTube चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बिल्कुल अच्छे से होंगे। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ हरतालिका तीज मेकअप लुक, जो कि उसको कजरी तीज भी कहते हैं, हरतालिका तीज भी कहते हैं। ये हमारे यूपी में बहुत अच्छे से मनाया जाता है। तो हरतालिका तीज में वैसे कहते यही है कि ग्रीन साड़ी पहननी चाहिए, हरी साड़ी, जो कि मैं प्रॉपर तीज के दिन पहनूंगी और वो भी आपके साथ वीडियो शेयर करूंगी। हरतालिका तीज जब करते हैं तो उसमें मम्मी लोग बोलती हैं, ये मान्यता है कि रेड, येलो, पिंक, ग्रीन यही कलर पहनना चाहिए। वैसे भी कोई ओकेज़न होता है तो ज़्यादातर डार्क कलर ही पहनते हैं। तो आज मैंने पिंक और ग्रीन में, जो कि मेरी मदर इन लॉ ने मुझे गिफ्ट की थी, वो साड़ी पहन रही हूँ। और बस ब्लाउज मैंने डाल रखा है फटाफट मेकअप क्रिएट करके। चलिए मेकअप शुरू करते हैं, वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं करते हैं। चलिए सबसे पहले मैंने अपना फेस वॉश कर रखा है। सबसे पहले मैं अपना फेवरेट मॉइस्चराइजर सेटअप फिर लगाऊंगी। और अब इसके बाद मैं लगाऊंगी शुगर का स्टिक प्राइमर, बहुत अच्छा है। प्राइमर लगाने के बाद हमेशा ना 2-4 मिनट के लिए फेस छोड़ दिया करो, तो अच्छे से वो फेस पे सेट हो जाता है। तो जो भी प्रोडक्ट हम लगाते हैं ना, वो एकदम बहुत ज़्यादा फेस में एब्जॉर्ब नहीं करता है, तो वो हमारे लिए काफ़ी अच्छा होता है। और मैं आज यूज़ करूँगी फाउंडेशन लॉरेल का। ये मुझे इसलिए बहुत ज़्यादा पसंद है क्योंकि इसकी ये फुल कवरेज है। और अब मैं तो जब ब्यूटी ब्लेंडर में इसको यूज़ करने से पहले सेटिंग स्प्रे, माई ऑल टाइम फेवरेट मिरर, ये इतना अच्छा है फुल कवरेज, आप देख सकते हो। इधर अभी नहीं मैंने ब्लेंड किया, इधर अच्छे से ब्लेंड कर लिया। अब मैं यूज़ करूँगी कंसीलर, मेबलिन का कंसीलर है मेरा। कंसीलर भी लग गया। अब मैं यूज़ करूँगी नायका का कॉम्पैक्ट, जो कि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है और आप देख सकते हैं फिनिश होने वाला है, पर मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है ये ब्रश से। मेकअप सेट करने के लिए कॉम्पैक्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। दैट्स इट। और अब मैं यूज़ करूँगी शुगर का हाईलाइट पाउडर। ये मेरे से गलती हो गई, मैंने इसको लूज पाउडर लिया था, जो कि नहीं लेना चाहिए क्योंकि बहुत ज़्यादा ना वेस्ट होता है। ठीक है, अब मैं लूंगी अपना एक फ्लफी सा आई मेकअप ब्रश, बहुत अच्छा है, मैंने मीशो से लिया था। मैं पहले आईज को नेचुरल
अब मैं इसके बाद सेकेंड कलर क्रीज से मेरी साड़ी थोड़ी पिंक और गोल्डन है, तो मैं पिंक और गोल्डन करने की कोशिश कर रही हूँ। आई डोंट नो होगा कि नहीं होगा। नेक्स्ट सबमिट कर रही हूँ। अब मैं लूंगी शुगर का 3-in-1 कॉन्टोर हाईलाइट और ब्लश का किट, जिसमें से मैं सबसे पहले कॉन्टोर करूंगी। एंड अब मैं इसमें से ब्लश अभी नहीं लूंगी। आप लोगों ने सोचा होगा कि मैंने आई मेकअप पूरा डन नहीं किया, क्यों? क्योंकि मुझे ना आई मेकअप सबसे पहले लगता है ना कि इसके बाद मैं पहले कॉन्टोर कर लूँ, क्या पतला लग रहा है, क्या मोटा लग रहा है, कहाँ पे क्या आईज में, कभी कभी ना थोड़ी देर बाद हमारी निगाह जाती है, तो इसलिए मैंने सबसे पहले उसको नहीं किया। बट मेरे हिसाब से अभी ठीक है, तो मैं आई मेकअप में हो गया था ना, अब मैं क्या डन करूँगी पता है? सबसे पहले आईब्रो, आईब्रो को हम एकदम नेचुरल से देंगे। ये लैक्मे एब्सोल्यूट है मेरा, दिखा दिया आपको। आई मेकअप इज डन, आई मेकअप इज ऑलमोस्ट डन। एंड उसके बाद में आईलाइनर लगाऊंगी। आईलाइनर के लिए ना मैं फर्स्ट टाइम यूज़ कर रही हूँ लैक्मे का, ये जो सिंपल सा आता है ये बहुत अच्छा मुझे लगा है। अब देखते हैं कितना अच्छा है या कितना अच्छा नहीं है, देखते हैं। आईलाइनर में सबसे ज़्यादा टाइम मुझे लगता है। आईलाइनर लगाने के बाद जिससे आईज ना थोड़ी देर के लिए काफ़ी हैवीनेस लगती है आईज पे, और मुझे थोड़ा सा आईलाइनर वगैरह ना ज़्यादा सूट नहीं करता, काजल तो बहुत ही कम करता है मुझे, जैसे आईज से ना मेरे पानी आने लगता है बहुत ज़्यादा। ओके, आईलाइनर इज डन। यस, थोड़ा सा ये सूख जाए तब तक मैं ब्लश लगाऊंगी, उसके बाद फिर मैं मस्कारा लगाऊंगी, मस्कारा लगाऊंगी। हाँ, थोड़ा सा ये सूख जाए इसी कॉन्टोर से, आओ पहले से मैं ब्लश लूंगी। थोड़ा सा हंस लेते हैं। ओके, डन। एंड अब इसी पैलेट से हाइलाइटर लेंगे ब्रश से। मेकअप का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है ये। छोटी वाली ब्रश से ये डन हो गया। अब मैं अप्लाई करूंगी मस्कारा जो कि है मेरा शुगर का। शुगर की जो चीज़ें हैं मुझे काफ़ी पसंद आती हैं, अच्छी लगती हैं। एंड दैट्स इट, माय मस्कारा इज कंप्लीट, माय ऑल मेकअप इज कंप्लीट, ओनली लिपस्टिक। अब मैं लगाऊंगी लिपस्टिक जो कि मेरी मोस्ट फेवरेट लिपस्टिक है रेने की। साड़ी डार्क कलर है, रेड सॉरी पिंक एंड ग्रीन, तो मैं थोड़ा सा पिंक किस लगाऊंगी।
देखेंगे। एंड अब इसके बाद मैं मेकअप को अपने सेट करूंगी सेटिंग स्प्रे से, जो कि है स्ट्रेस ब्यूटी का, मैंने दिखाया भी था। यस डन। अब सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है बिंदी। इसके बाद एक और इम्पोर्टेंट पार्ट आता है जो कि है बैंगल्स। मैंने रेडी रखी थी, बस पहनना है। और अब इसके बाद मैं एक छोटा सा सेट डालूंगी। आप लोगों ने सोचा मेरे बाल कहाँ चले गए, बाल यहीं कहीं नहीं। एंड अब इसकी इयररिंग्स डालूंगी मैं। और बाल में आप जूड़ा उड़ा बना सकते हो, बट मैंने वैसे कुछ खास नहीं किया है और सोचा था एक क्लचर लगाऊंगी, बट मैं बाल घूमूंगी। दिस इज माय फाइनल लुक। साड़ी पूरा सेट जैसे पूजा का लुक क्रिएट करते हैं, मैंने वैसे करने की कोशिश की है। आई होप आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया हो। पसंद आया हो तो प्लीज़ एक लाइक कर देना, और वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा ज़रूर। आपका कमेंट मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, बहुत ज़्यादा मतलब लगता है कि और वीडियोज़ बनाऊँ जो आप लोग लाइक करते हो। प्लीज़ कैसा लगा वीडियो बताइएगा ज़रूर, और अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, हैप्पी तीज।